हम भारतीयों की तेजी से बदलती लाइफस्टाइल के कारण विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बदलाव का नतीजा है कि वैश्विक स्तर पर फूड इंडस्ट्री के कारोबार में भी निरंतर वृद्धि देखी गई है। बदलते समय के साथ पारंपरिक खाने को आधुनिकता का तड़का लगाकर परोसा जाने लगा है। इसी क्रम में हम बात करेंगे मक्के यानी कॉर्न की, जिसका उत्पादन कई हजार साल पूर्व मेक्सिको में वहां के मूल निवासियों ने किया था। मक्का आज नए अंदाज में स्वीट कॉर्न के रूप में मॉल से लेकर छोटी दुकानों में भी आसानी से मिल जाएगा। स्वीट, जूसी, क्रंची और स्वादिष्ट स्वीट कॉर्न टॉपिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न सूप पीजिए, खट्टी मीठी स्वीट कॉर्न की चाट खाइए या इसकी टेस्टी सब्जी बना के खाइए। पूरे साल ताजे स्वीट कॉर्न का जायका आपको मिलता रहे, इसलिए इसे फ्रीज करके रख लिया जाता है। फ्रोजन स्वीट कॉर्न स्वाद में लाजवाब होने के साथ साथ किफायती भी है। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए लेकर आया है फ्रोजन स्वीट कॉर्न प्रोसेसिंग से जुड़ी सारी जानकारी। फ्रोजन स्वीट कॉर्न प्रोसेसिंग के लिए जो रॉ मटेरियल उपयोग होगा वो है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग में करीब 80 आदमी लगते हैं उसको छीलने में। उसके बाद वो मशीन से प्रोसेस होती है, IQF से पास होती है। स्वीट कॉर्न की जब बड़ी पैकेजिंग हम रख देते हैं, उसके बाद छोटी पैकेजिंग जो मार्केट से डिमांड आती है आधा किलो और एक किलो के लिए, उसको पैक करते हैं। उसको पैक करने में करीब 40 से 50 वर्कर हमारे लगते हैं, फिर वो मार्केट जाती है। फ्रोजन स्वीट कॉर्न प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे पहले भुट्टे को मैन्युअली छीला जाएगा। इसके बाद छिले कॉर्न के दानों की ब्लॉन्चिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में कॉर्न को उबलते पानी में कुछ मिनट डाल के निकाला जाएगा। ब्लॉन्चिंग प्रक्रिया के बाद इसे कूलिंग टैंक में ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके बाद इसे कुछ देर सुखाना भी है। अब ब्लास्ट फ्रीजर में इसे फ्रीज करके उसके बाद कोल्ड चेम्बर में स्टोर कर लेंगे। कोल्ड चेम्बर में इसे बड़ी पैकिंग यानी सैक में रखा जाएगा। अब मार्केट डिमांड के अनुसार सैक को कोल्ड चेम्बर से बाहर निकालकर इससे फ्रोजन स्वीट कॉर्न निकाल के मैन्युअली सॉर्ट और सेपरेट कर लेंगे। फिर वेइंग मशीन से 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो के पैकिंग में पैकेजिंग मशीन से पैक करना है। तो इस तरह फ्रोजन स्वीट कॉर्न को बाजार में बेचने के लिए तैयार कर लिया जाएगा। अब कोल्ड चेन द्वारा इसे मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। 12 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी के फ्रोजन स्वीट कॉर्न के स्टोरेज फैसिलिटी के लिए आपको लगभग 10 से 12 लोग रेगुलर प्लांट ऑपरेशन के लिए चाहिए। साथ ही मक्के की कटाई के मौसम में आपको कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मक्का छीलने के लिए चाहिए होंगे, जिनकी संख्या आपके प्लांट स्टोरेज कैपेसिटी पर निर्भर करती है। अब जान लीजिए उन मशीनों के बारे में जिनका इस व्यवसाय में इस्तेमाल होगा। फ्रोजन स्वीट कॉर्न प्रोसेसिंग के लिए आपको जो मशीनें चाहिए वो हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉशिंग मशीन, ब्लॉन्चिंग मशीन, कूलिंग टैंक, ब्लास्ट फ्रीजर, वेइंग मशीन, पैकेजिंग मशीन और कोल्ड चेम्बर जो -18 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त करने में सक्षम हो। इस प्लांट में फुल प्रोसेसिंग के लिए 540 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होगी, जिसमें कूलिंग के लिए 230 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत पड़ेगी। अगर छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो 12 से 14 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ेगी। वीडियो में दिखाया जा रहा प्लांट एक लार्ज स्केल प्लांट है।
इसलिए ये पूरा प्लांट 54,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना है। इसे छोटे स्तर पर 3,000 से 4,000 स्क्वायर फीट एरिया में भी शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय को स्मॉल स्केल में खुद के लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर में शुरू करने के लिए लगभग 38 से 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस तरह की यूनिट से ऑफ सीजन में आप 18% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। फ्रोजन स्वीट कॉर्न प्रोसेसिंग के व्यवसाय के लिए सरकार से कुछ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चाहिए होंगे, जैसे GST, FSSAI, उद्यम और ट्रेडमार्क, जो कि ऑप्शनल है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीम भी लेकर आ रही है। फ्रोजन स्वीट कॉर्न प्रोसेसिंग के व्यवसाय के लिए आप PMFME और स्टैंड अप इंडिया स्कीम का लाभ ले सकते हैं। हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा बिजनेस से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए डाउनलोड करिए IID की मोबाइल एप्लीकेशन एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव। व्यापार संबंधित अहम जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।